How are you? Hope you all are fine. So students, today what will we do? क्या करेंगे आज हम? Today we will revise lesson number 1, Joe the baby caterpillar. Because on coming Sunday you have a class test of that lesson, so that. Okay? Yes. Number 1. आपको इसमें revision करना है. आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से आपको test में learn करना है. ठीक है? Number 1. The topic is hard word, or you can say new words. Hard words or new words also you can say, na? इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा? We change it and the given question like that missing letter. मिसिंग लेटर्स में हम आपको ये वर्ड्स देंगे जो आपको वर्ड्स न्यू वर्ड्स करवाए गए हैं. दीज ऑल वर्ड्स है ना, इसी में से हम देंगे. जैसे मैंने दिया एस यू एम एन लाइक दैट. यू हैव टू लर्न ऑन कंप्लीट स्पेलिंग ऑफ समर एंड यू शुड नो दैट व्हाट इज इनसाइड दीज ब्लैंक स्पेस. इसमें क्या है? एस यू डबल एन ई आर. अगर आप स्पेलिंग लर्न करते हैं तो आपको इजी गोइंग हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपको इसमें ये फिल करना है और इस तरह से ये आपको दिया जाएगा. लाइक दैट द सेकंड वन इज ब्लैंकेट. बी अब इसमें क्या आएगा यहाँ पे? ब्लैंकेट. ब्लैंकेट. ओके, तो ये आपका इस तरीके से आपको मिसिंग लेटर्स के रूप में आएगा और आपको सारे लर्न न्यू वर्ड्स पूरे लर्न करने हैं इसमें गिवन. इसके अलावा आपको लेसन के बीच में भी अगर कोई वर्ड आपको ऐसा लगता है लाइक दैट हंग्री, कलरफुल, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, विंग्स, कैटरपिलर, ऐसे काफ़ी शब्द हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें बस जो दिया गया वही करना है. लेसन में जो भी है वो सारा आपको लेसन को कम, यू हैव टू रीड कम्प्लीट लेसन वेरी केयरफुली एंड लर्न ऑल द स्पेलिंग्स. बहुत से स्पेलिंग्स हैं जो आपको लर्न करनी है. एक एक बार आप हर लेसन से ऐसे स्पेलिंग्स लर्न करते रहेंगे तो आगे जाके वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी बेटा. ओके, यस. द सेकंड वन इज द सेकंड वन क्वेश्चन टाइप इज क्या है? टिक द करेक्ट वन. आपको टिक द करेक्ट वन गिवन इन योर बुक ऑल्सो, आपकी बुक पे भी दिया गया है ना क्वेश्चन नंबर 2. लाइक दैट टिक द करेक्ट वन. टिक द करेक्ट ऑप्शन कह सकते हो आप. इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आपकी बुक में भी दिया गया. जैसे जो वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन, जो बहुत ज्यादा टायर्ड था बिकॉज शी हैड बीन बिकॉज क्रॉलिंग फॉर मैनी डेज. वो बहुत दिन से क्रॉलिंग कर रही थी, क्रॉलिंग यानी चल रही थी, रेंग रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा थक गई थी. ठीक है, तो इसको आपको टिक करना है. सोन इट वॉज विंटर एंड द ग्रेप वाइंस वर कवर्ड विद. जल्दी ही विंटर आ गया, ग्रेप वाइन किससे कवर्ड हो गई? ग्रेप वाइन यानी अंगूर की बेलों पर क्या जम गया? चारों तरफ ऊपर से स्नो. गिविंग ऑप्शंस, गिवन ऑप्शंस क्या क्या? रेन है, स्नो है, डस्ट है. आपको पता है कि स्नो अकॉर्डिंग टू योर लेसन. ओके, द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन इट वाज स्प्रिंग द प्लांट्स एंड द फ्लावर्स. जब स्प्रिंग का सीजन आया तो प्लांट्स और फ्लावर्स कैसे हो गए बेटा? वेंट ऑफ टू स्लीप स्माइल हैप्पीली वोक अप फ्रॉम देयर विंटर स्लीप. तो विंटर के बाद इसका स्प्रिंग का मौसम आता है तो अकॉर्डिंग टू दैट वोक अप फ्रॉम देयर विंटर स्लीप. लंबी नींद से, जो ये बहुत लंबी नींद सो रहे थे ना सर्दियों की लंबी नींद से, ये लोग जाग गए थे. द फोर्थ एंड लास्ट वन जो चेंज इन टू अ ब्यूटीफुल. जो किस में चेंज हुआ? ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में. अब इसके अंदर बीच में से जैसे क्या दे सकती है मैम? इस तरह से भी दे सकती हैं कि वेयर डिड जो फाउंड हर कोजी प्लेस. उससे अपनी कोजी प्लेस कहाँ पे खोजी उसने? इन द ब्रांचेस ऑफ ग्रेप वाइन. ठीक है, और हु वॉज हंग्री? कौन हंग्री था? तो हंग्री कौन था? भूखा कौन? भूखा कौन था? भूखी कौन थी? इसमें शी दिया तो ये भूखी है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे जो. इसका नाम आएगा जो. ठीक है, इन विच सीजन द ग्रीन लीव्स टर्न येलो. कौन से सीजन में हरी हरी पत्तियाँ येलो हो जाती हैं? द सीजन इज ऑटम. ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेसन जब आप रीड करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, है ना. हुज विंग्स आर कलर कलरफुल. किसके विंग्स कलरफुल होते हैं? तो बटरफ्लाई के होते हैं. ठीक है, इस तरीके से आपको काफ़ी कुछ दिया गया है. हु स्ट्रेच्ड हर बॉडी. किससे अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया? जो ने. ओके, नाउ ये तो आपके थे
लिए टिक द करेक्ट वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन लाइक दैट। अब इसके बाद आता है आपको गिवन फोर क्वेश्चंस। ये जो चार क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, ये चार क्वेश्चन आपके एज इट इज रहेंगे, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर वन इज, द क्वेश्चन नंबर वन इज, व्हाट डिड जो डू व्हेन शी बिकेम वेरी टायर्ड। जो ने क्या किया जब वो पूरा थक गई। तो जो, व्हेन जो बिकेम वेरी टायर्ड शी फाउंड अ कोजी प्लेस। तो आंसर इसमें आपको पूरा लिखना है, कंप्लीट लिखना है, व्हेन जो बिकेम वेरी टायर्ड, व्हेन, सॉरी कैप्चर आएगा, व्हेन जो बिकेम वेरी टायर्ड, इसके बाद आंसर पूरा, शी फाउंड अ कोजी प्लेस फॉर हरसेल्फ टू स्लीप। शी फाउंड ए कोजी प्लेस, यहां तक भी सही है, प्लेस फॉर हरसेल्फ और टू स्लीप। अब इसमें आपको ऐसे नहीं लिख सकते, शी फाउंड अ कोजी प्लेस टू स्लीप, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। शी फाउंड अ कोजी प्लेस फॉर हरसेल्फ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड शी फाउंड अ कोजी प्लेस, तो भी हर तरीके से, लेकिन आपको यहां तक तो आना ही होगा, चाहे हरसेल्फ तक आइए, चाहे टू स्लीप तक आइए, चाहे इसको हटाइए, चाहे इट्स ओके, बट आपको आंसर हर तरह से, कहने का मतलब है उसे किया क्या था, थकने के बाद उसे एक आरामदायक जगह चाहिए थी, है ना। अब किसके चाहिए थी, अपने लिए चाहिए थी, सोने के लिए या फिर अपने लिए, तो ये दोनों चीजें आप ऐड करके लिख सकते हो, व्हेन जो बिकेम वेरी टायर्ड शी फाउंड अ कोजी प्लेस फॉर हरसेल्फ टू स्लीप। ओके, नाउ द सेकंड वन इज, अब सेकंड देखिए, क्वेश्चन आंसर्स वही है आपके, ठीक है, अब आपको रीड करना है, समझना है। एक चीज और, जितनी बार आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आप आंसर्स भी उतनी बार ही लर्न करिए, क्योंकि बच्चे कहते हैं वन टाइम क्वेश्चन पढ़ा, 10 टाइम आंसर को बार बार रीड कर लिया, याद हो गया। जब आप क्वेश्चन लिखने, क्वेश्चन का आंसर लिखने जाते हो तो क्या करते हो, यू डिडंट रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ा नहीं और आंसर लिख दिया, कि क्वेश्चन नंबर वन है, वन का आंसर ये, टू का ये, थ्री का ये, फोर का ये, दैट इज रॉन्ग, ये गलत, क्योंकि जब मैम देती तो मैम उसकी सीक्वेंस को चेंज कर देती हैं। तो आप इस चीज़ पर मत जाइए, आप इस चीज़ पर जाइए कि यू शुड रीड फर्स्ट, यू शुड रीड क्वेश्चन, देन आफ्टर यू हैव टू गिव आंसर। ओके, नाउ द सेकंड वन, व्हेन वाज जो फीलिंग स्लीपी, जो को नींद, मतलब नींद कब आ रही थी, बहुत ज़्यादा स्लीपी महसूस कर रही थी कब, जो वाज फीलिंग स्लीपी व्हेन शी गॉट टायर्ड ड्यूरिंग द विंटर, शी गॉट टायर्ड ड्यूरिंग द विंटर, जब वो विंटर में बहुत ज़्यादा थक गई थी चलते चलते, तब उसे नींद आ रही थी। ओके, अंडर द थिक ब्लैंकेट जो बिगेन टू फील वेरी वार्म, जो थिक ब्लैंकेट, सॉरी क्वेश्चन है, हाउ डिड जो फील, जो को कैसा लग रहा था जब स्प्रिंग सीजन आ गया, और स्प्रिंग सीजन में हम लोग ब्लैंकेट्स नहीं ओढ़ते, ठीक है, तो एनिमल्स का भी ऐसा ही बेटा, जो सीजन हमारे लिए आता है वो उनके लिए भी आता है, ठीक है। जब स्प्रिंग सीजन आ गया तो वो जो जो था उसको ब्लैंकेट में अच्छा नहीं लग रहा था, उसको ब्लैंकेट में क्या गर्माहट महसूस हो रही थी बहुत ज़्यादा, और विंटर में तो उसको जो गर्माहट थी वो अच्छी लग रही थी, लेकिन स्प्रिंग की गर्माहट उसे अंदर अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो कैसा महसूस किया था, शी बिगेन टू फील वेरी वार्म, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस की। यस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट हैपेंड टू द थिक ब्लैंकेट व्हेन जो स्ट्रेच, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ उस थिक ब्लैंकेट के साथ जब जो ने स्ट्रेच किया, अपने आप को खींचा, जो उस थिक ब्लैंकेट हैज क्रैक्ड, क्रैक हो गया, टूट गया, व्हेन जो स्ट्रेच, जब उसने उसको खींचा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर, द नेक्स्ट टॉपिक इज मेक सेंटेंसेस। वी विल गिव द वर्ड, आपको वर्ड दिया जाएगा, यहाँ पे वर्ड कुछ भी हो सकता है, नंबर टू, नंबर थ्री, जो भी कुछ भी है, जैसे मैंने फ्लावर दे दिया, हाँ मैंने विंटर दे दिया। अब यू हैव टू मेक सेंटेंसेस योर ओन, अपने खुद के सेंटेंसेस बनाइए, यूज योर ओन माइंड एंड मेक इट। जितना ज़्यादा आप सेंटेंसेस अपने आप बनाने की कोशिश करोगे, उतने ज़्यादा आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ओके, बस मेन थिंग इसमें क्या होती है कि जो वर्ड आपको, जो गिवन वर्ड है वो आपके सेंटेंस में आना चाहिए। जैसे फ्लावर्स, आई लव फ्लावर्स, फ्लावर्स आ गया, आई लाइक फ्लावर्स, आई लाइक रोज फ्लावर। ओके, विंटर, विंटर सीजन इज टू कोल्ड, विंटर सीजन कैसा होता है, टू कोल्ड, है ना, स्नो फॉल्स इन विंटर सीजन, स्नो विंटर सीजन में गिरती है। ओके, लाइक दैट मेक सेंटेंसेस। एंड द नेक्स्ट वन, जो इसके अंदर बुक्स की एक्सरसाइजेस हैं, जो बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है
लाइक दैट मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस. जो मैचअप्स दिए हुए हैं वो मैचअप्स आपको लर्न करने, जैसे बेयर का कब है ना, डियर का फोन, आउल का आउलेट, केंगरू जो, डक डकलिंग, एलिफेंट काफ. ये सेम सेम मैंने सामने सामने लिखे हैं इन फ्रंट ऑफ देम ताकि मैचिंग में गलती ना हो, गलत नहीं हो. ओके, यू हैव टू लर्न लाइक दिस. अ बेबी बेयर, अ बेबी बेयर इज अ कप. डियर, डियर का क्या होगा, फोन. ओके, आउल का ऑलेट, केंगरू जो, डक डकलिंग, एलिफेंट काफ. ये आपको याद होना चाहिए. ओके, नाउ अनदर नेक्स्ट वन, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स. क्या अंडरलाइन करना हमें, नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं आपको पता है, नाउन, नेमिंग वर्ड्स और यू कैन से नाउन, इनको आपको अंडरलाइन करना है. सेंटेंसेस है, द कैटरपिलर कवर्ड हर्सेल्फ विद अ ब्लैंकेट. इसके अंदर आपको पता है कैटरपिलर इज अ इंसेक्ट लाइक है ना, एंड ब्लैंकेट इज अ थिंग. नंबर टू, मोस्ट बर्ड्स लिव इन नेस्ट. बर्ड्स ये आपके एनिमल से मतलब है प्राणी. ओके, एंड नेस्ट इज अ प्लेस. नंबर थर्ड, माई फादर इज रीडिंग अ न्यूज पेपर. फादर इज अ पर्सन, न्यूज पेपर इज अ थिंग. नंबर फोर्थ, माई सिस्टर गोज टू स्कूल इन द स्कूल बस. सिस्टर इज अ पर्सन, स्कूल एंड स्कूल बस इज अ थिंग. स्कूल इज अ प्लेस एंड स्कूल बस इज अ थिंग. ओके, यस, द बॉय इज वेयरिंग अ हैट. द बॉय इज अ पर्सन, हैट इज अ थिंग. नेक्स्ट है अंडरलाइन द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. ओके, कॉमन नाउन आपको पता है, कॉमन नाउन जो जनरल थिंग्स होती है जो कि पूरी कम्युनिटी को इंडिकेट करती है, और प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन बिगिंस ऑलवेज विद कैपिटल लेटर. लाइक दैट रवि बॉट बुक्स. तो रवि तो क्या हो गया बेटा, रवि पर्सन हो गया, पर्टिकुलर पर्सन हो गया, बुक्स किताबें हो गई. ठीक है, नंबर सेकेंड, बुक्स हो गया आपका कॉमन नाउन और रवि हो गया आपका प्रॉपर नाउन. सेकेंड है क्या, अवर डॉग इज अ वेरी नॉटी. तो डॉग हो गया आपका कॉमन नाउन. वी वेंट टू द डॉल्स म्यूजियम. डॉल्स म्यूजियम पर्टिकुलर जगह का नाम बता दिया गया है. डॉल्स म्यूजियम इज अ प्रॉपर नाउन. अलीशा प्लेज विद हर ब्रदर. अलीशा इज अ पर्सन. ओके, पर्टिकुलर पर्सन प्रॉपर नाउन, एंड ब्रदर भाई वो कोई सा भी हो सकता है. ठीक है, पैरिस, पैरिस इज अ ब्यूटीफुल सिटी. पैरिस इज अ पर्टिकुलर प्लेस एंड सिटी, सिटी कोई भी हो सकती है. ठीक है, रोहित इज रूपास फ्रेंड. तो रोहित इज अ प्रॉपर नाउन, एंड फ्रेंड, फ्रेंड तो आपका, फ्रेंड तो बहुत सारे हो सकते हैं. सो दैट ओके, नेक्स्ट राइट प्रॉपर नाउन फॉर दिस कॉमन नाउन. आपको कुछ यहाँ पे कॉमन नाउन दिए गए जिनको आपको प्रॉपर नाउन देना है, यानी कि पर्टिकुलर नाम देना है. जैसे डॉग है, कार्टून कैरेक्टर है, चॉकलेट है, शूज है, बुक का पीपल है. अब आपको क्या करना है, डॉग है तो आप किसी भी डॉग का नाम लिख सकते हैं, कार्टून कैरेक्टर है तो आप किसी भी कार्टून कैरेक्टर का नाम लिख सकते हैं. इस तरीके से चॉकलेट में आप किसी भी चॉकलेट का नाम, शूज में किसी कंपनी का नाम जो शूज़ बनाती है, शू बनाती है, बुक्स में आप कोई सी बुक्स लिख सकते हैं, पीपल में आप एनी पर्सन का नाम लिख सकते हैं. एंड द लास्ट वन, यू आर रीराइट यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप. कैपिटल लेटर फुल स्टॉप आपको लेसन नंबर टू ग्रामर में सिखाया गया है. अकॉर्डिंग टू दैट कि अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप. ओके, और यदि कोई क्वेश्चन मार्क कहाँ पर लगेगा, क्वेश्चन मार्क वहाँ लगेगा जो क्वेश्चन सेंटेंसेज है. क्वेश्चन सेंटेंसेज लाइक कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स लाइक डब्ल्यू एच वर्ड, विच, वेयर, वैन, वॉट, हुम, हूज, लाइक दैट. ओके, तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट करना है. इस सारा वर्क मैं ऑलरेडी आपको भेज चुकी हूँ ग्रुप में, तो प्लीज़ लर्न दिस वर्क एंड बी रेडी फॉर योर संडे एग्जाम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.